السلام علیکم ڈیئر ویورز، حریم شاہ کے والد سید زرار حسین شاہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو کہ انہوں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کے کارناموں پر قوم سے شرمندگی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے بیٹی کو عالمہ کی تعلیم دلوائی لیکن پھر بھی وہ میرے لیے ذلت کا سبب بنی۔ تو ڈیئر ویورز، ہم آپ کو وہی ان کا ویڈیو پیغام سنوائیں گے تاکہ تمام لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ بچوں کی تربیت کتنی ضروری ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے سید زرار حسین شاہ کا ویڈیو پیغام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زرار حسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں، میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوور آل جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہوا، میں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کر سکوں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں تو کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے، پھر میری بڑی اماں نے انہیں راضی کر دیا، پھر راضی بھی ہو گئے سید کے دل سے، لیکن شاید وہ بد دعا لگ گئی جس کا مجھے احساس بھی ہے، اور بہت اذیتیں بھی میں نے اٹھائیں، لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے بزرگوں کے تعلقداروں کو، رشتہ داروں کو، جو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کو جو صدمہ ہوا، انسان کے مخالف بھی ہوتے ہیں، انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی، لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا، میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرہم رکھ سکوں، اور جو اس وقت ہماری ملکی سلامتی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا، میں اس پر اس کے لیے میں بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ بھی ہوں۔ ہم نے 1948 میں اوڑی میں میرے دادا، میرے چاچا، میری ساری فیملی نے عملاً اس جہاد میں حصہ لیا۔ ہمارے چچا جان شاہ وہاں شہید ہوئے، اللہ نے ہمیں شہادت میں بھی حصہ دیا۔ علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے بزرگوں کے دروازے کی مٹی کا سرما لگاتے ہیں،
लेकिन अल्लाह की तरफ से आ गई तो मेरे किसी गुनाह में मेरे अल्लाह ने मेरी सारी कौम और सारे मुल्क को शर्मिंदा किया। बस मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, मैंने अपने तौर पर कोताही उसके इसमें नहीं की। उसको मैंने आलिया कराया, आलमा कराया, अलुदा इंटरनेशनल से तालीम अल कुरान में कराया, बहुत अच्छे नंबर उसने लिए। एक बाप जो कर सकता है शायद यही कर सकता है, और इतने मेरारी इतने अच्छे इस्लामी मदारस में पढ़ाना तो। लेकिन उसके बदले में वो राइंदा दरगाह हो गई, और वो लोग जिन्होंने उनकी तरबियत की उनको जो सदमा हुआ, मैं उसके उस सदमे को किसी तौर पर बैलेंस नहीं कर सकता जान से। लेकिन एक आलिमा फाजला तो बात तो बस फिर एक ही थोड़ी सी तसल्ली होती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप की 1000 साल मेहनत के बरक्स काफिर हो गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रहने वालों में हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत जिनके मैं खैर उनकी उस शान को तो बयान करने मुनासिब नहीं समझता, उसके बेटे को सजा हो गई। मैं अपने मुल्क की कानून के मुताबिक जो हमारी असेंबलियों ने बनाए उसका पाबंद हूँ, जो अल्लाह का कानून है उसका पाबंद हूँ। मेरे पास उनकी तरह इस्लाह का कोई इख्तियार तो नहीं, लेकिन मेरे अपने बस में जो इस्लाह थी हमने कोशिश की है, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने बेटे को मुबारकबाद दे दी शहादत पर, लेकिन मेरे पास तो कुछ अख्तियार और तो नहीं है। बरहाल मैं अपने हमारे जो बहुत अल्लाह के वली है, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनसे दुआ के मुल्तमिस हूँ कि अल्लाह उसे हरीम शाह से फिर फिजा हुसैन बनाए। और मैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद भी नहीं हूँ, हदायत देना उसका काम है। बड़े बड़े लोग आजमाइश के लिए गुमराह भी हो जाते हैं, और जब वो राजी होते हैं तो फिर हदायत भी पा लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, आप दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाबी दे, अल्लाह उसे हदायत दे। और उसकी वजह से जिन लोगों की इज्जत पर आरोप आया, हम लोग दुश्मनी कर सकते हैं लेकिन किसी की इज्जत नहीं उछाल सकते। हम सब कुछ करने जानते हैं लेकिन पूरी जिंदगी किसी गरीब का मैंने दिल नहीं दुखाया, और कभी सोचा भी नहीं कि किसी की इज्जत हमारे किसी एक लफ्ज से भी दागदार हो। तो सब इम्तिहान अल्लाह ने मुझ पर लाए। वो लोग जो दिल में दर्द रखने वाले हैं, अभी मैंने नमाज में भी लेट हुआ, रात को नींद नहीं आई, घर में बीमारी है, मेरा बच्चे
छो नहीं सकते, लेकिन क्या करें, इंसान है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आपने दुआएं की तो अल्लाह हमारे मुल्क की भी इज्जत रखेगा और हमारे खानदान की भी इज्जत रखेगा, और अल्लाह में मुझे कुर्बानी देने की तौफीक भी देगा और उसको अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। वो बहुत इज्जतों वाला और बहुत गैरत वाला है। अल्लाह हमारे नसब की इज्जत रखेगा। मैंने जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कौन हूं या क्या हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी की दिलाजारी हुई है मेरे किसी अमल से तो अल्लाह मुझे माफी दे और वो भी मुझे माफ करे। और ये करीम शाह की वजह से जो सदमात हो गए, इसमें अगर फिर भी मेरी कोई कमी है तो मुझे निशानदेही करें। मैं जो तालीम दिलाई, जो कुछ किया और इस्लामी तालीम दिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया, वरना मेरे इज्जतदार भाई कहते कि जी तुमने उनसे तालीम गलत दिला दी। बाकी भी जो किया तो उसके साथ ही मुझसे ज्यादती कोई जो हुई है अल्लाह माफ करे। तो मैं एक बार फिर अपने खानदान के चाहने वालों से, जिनको बहुत सदमा है, मुझे पता चलता है लोग बोलते तो नहीं है सामने। उस दिन मुझे एक दोस्त ने कल कहा कि जी उनकी आपकी इज्जत की वजह से हम आपसे बात नहीं कर सके, लेकिन हम बैठकर रोटी नहीं खा सकते। तो मैं उनसे अल्लाह उनके दिलों पर मरहम रखे, अल्लाह उनके दिलों पर मरहम रखे और अल्लाह हम सबको माफ करे।